एक छोटा सा डेटा हमने आपके साथ बनाया है और हम बात कर रहे हैं चार्ट्स के ऊपर। मुझे इस डेटा के ऊपर चार्ट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अगर हमने जो चार्ट नॉर्मली जो हम चार्ट इंसर्ट करते हैं वो चार्ट को इंसर्ट किया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी विजिबिलिटी में कि हम यहाँ विजिबिलिटी में नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन किसका है। अभी क्या है कि मेरे डेटा में हमें बिटवीन नेम्स मतलब पूजा और नीरज के बीच में क्या कंपेयरिंग है इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें पूजा की जो सेल्स है उसको मंथ वाइज कंपेयर करना है। सो मुझे बिटवीन नेम नहीं बिटवीन मंथ को कंपेयर करना है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ वन बाय वन चार्ट्स आए इस तरह से, पूजा की फिर नीरज की फिर इस तरह से। बट प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे पास बहुत बड़ी डेटा है और हम उतने चार्ट्स बनाने लगे तो काफ़ी बड़ी फाइल और हम बना ही नहीं पाएंगे। 10,000 15,000 डेटा आपके पास है तो कुछ ऐसा हो कि हमें यहाँ ड्रॉप डाउन मिल जाए। तो चलिए इसी चीज़ को हम यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले हेडिंग को कॉपी किया और हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हेडिंग को कॉपी करके हमने पेस्ट किया। उसके बाद मैं मैनुअली यहाँ पे वन लिख देता हूँ और यहाँ ऑफसेट का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। रेफरेंस हमने सेलेक्ट किया और हमने इस वन को सेलेक्ट किया, कॉलन जीरो और हमने एंटर प्रेस किया। इससे क्या होगा कि मैं यहाँ टू करूँगा दूसरा नेम, थ्री करूँगा तीसरा नेम, चार फोर करूँगा चौथा नेम यहाँ से उठ के आएगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे हमारे पास नेम आया। अब इसको आगे हम ड्रैग करते हैं। तो ड्रैग करने के लिए हमें जो A12 है जो वन था उस वाले वन को मुझे यहाँ से फ्रीज कर देना है और फिर इसको मैं आगे ड्रैग करूँ। अब यहाँ पे हम वन करें, टू करें, थ्री करें, इस तरह से रिपोर्ट आ जाता है। अब इसको सेलेक्ट करके मैं इस पे चार्ट तैयार कर देता हूँ। अब यहाँ हम डेवलपर में आते हैं। अब कुछ ऐसा चाहिए जैसे हम यहाँ पे वन करते हैं तो वन का चार्ट, टू करते टू का चार्ट बन के आ जा रहा है। तो यहां हम इसको यहां इंसर्ट में आते हैं और इंसर्ट में हमारे पास यहां कॉम्बो बॉक्स है। इस कॉम्बो बॉक्स को हम लेते हैं और ड्रैग करते हैं। फिर राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, कंट्रोल में हम जाते हैं और यहाँ इनपुट बॉक्स में हम ये जो लिस्ट है इस लिस्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेल लिंक में हम इस वन को करते हैं। 3D सेटिंग कर देंगे तो 3D इफेक्ट वगैरह आ जाएगा। अब मैं इस पे पूजा पे क्लिक किया तो होता क्या है कि जब इसमें हम कोई सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने सेलेक्ट किया कविता, कविता का पोजीशन क्या है, फर्स्ट में पूजा है, सेकेंड में नीरज है, थर्ड में हमारा कविता है। तो इसने कविता को यहाँ पे थर्ड नंबर यहाँ पे डाल दिया। यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगा है, बस इसका यह है कि यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा। जैसे थर्ड नंबर डालेगा ये फॉर्मूला, ऑप्शन का फॉर्मूला ऊपर से थर्ड नंबर का रिकॉर्ड्स दे देगा और चार्ट्स के ऊपर आपके थर्ड नंबर के रिकॉर्ड्स आ गए। इस बटन्स को यूज करने के लिए कोई फॉर्मूला और कुछ कुछ कोडिंग वेडिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप डिजाइन कीजिएगा
तो आप जो है फॉर्म कंट्रोल को डिजाइन कीजिएगा, ना कि एक्टिव एक्स कंट्रोल को। अगर आप एक्टिव एक्स कंट्रोल को डिजाइन करते हैं तो नीट द कोडिंग, बट ऊपर में हमें कोडिंग की जरूरत नहीं होती है। राइट, समझ में आप लोगों को? जी सर, हाँ सर समझ में आ गया, अगर चाहें तो एक बार हल्का सा रिपीट कर दें। मैं इसमें और भी एग्जांपल बता रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। ओके ओके। अब इसमें एक चीज और भी है कि यहाँ पे हमारे सामने एक चेक बॉक्स है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ टारगेट डाल देता हूँ, टारगेट, और यहाँ पे हम टारगेट के फिगर्स डाल देते हैं। यहाँ पे है कि मैं चाहता हूं यहां पे यहां से हम लेते हैं और यहां मान लीजिए हमने यहां पे डिजाइन कर दिया टारगेट को, टारगेट राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कंट्रोल, यहां पे 3D शेडिंग और सेल लिंक में हमने यहां डाल दिया। तो क्या होगा कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, क्लिक हुआ तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, क्लिक हुआ तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। अब यहां पे कंडीशन लगाऊंगा कि इफ, अब इसको सिलेक्ट करते हैं कि अगर ट्रू हुआ तो टारगेट को शो करे अदरवाइज ब्लैंक को शो करे, और आगे ड्रैग करने से पहले हम B12 को फ्रीज कर लेते हैं। अब ये हो गया। आपको याद होगा जब मैंने चार्ट की क्लासेस कराई थी उसमें हमने बताया था कि हम चार्ट में नए फीचर्स को कैसे डालेंगे। जस्ट चार्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहां से इसको ड्रैग कर देते। अब मैं सर, हाँ सर बहुत ही अच्छा है, इस तरह के हम यूज कर सकते हैं। अब यहां पे बात आती है कि अगर मुझे दो दो को कैसे करें, मतलब दो को हमें कंपेयर करना है, टू नेम्स को आपस में कंपेयर करना, तो चलिए इसको हम अगली सीट पे करते हैं। यहां पे हम इसको लेते हैं कॉपी, वन दे दिया और यहां भी वन दे दिया, ऑफसेट लिया, रेफरेंस हमने A1 को सिलेक्ट किया, यहां पे 1 को सिलेक्ट किया, कॉलम 0 कर दिया, और यहां भी हम ऑफसेट ऊपर वाले को सिलेक्ट करते हैं, रो को सिलेक्ट किया, कॉलम 0 कर दिया। ड्रैग करने से पहले A13 को फ्रीज करेंगे और यहां भी A13 को फ्रीज करेंगे और फिर दोनों को आपस में ड्रैग कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं और इस पे हम चार्ट बना लेते हैं।
यहाँ से मैं लेआउट जो है चेंज करता हूँ, ये वाले लेआउट ले आता हूँ। डेवलपर में जाता हूं, यहां से हम यहां कॉम्बो बॉक्स लेते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, इनपुट रेंज में हमने इस इनपुट को ले लिया, सेल लिंक में हमने इसको ले लिया, 3D सेटिंग यहां पे कर देता हूं। तो यहां पे हम वन करेंगे तो यहां कि हमने यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी, हमें इसको यहाँ इसको लिंक करना चाहिए। यहाँ पे मैं नीरज करूंगा तो नीरज का आएगा। उसके बाद इसमें एक लिस्ट बॉक्स भी होता है, ये रहा। इस लिस्ट बॉक्स को हमने यहाँ पे राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, इनपुट रेंज में हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेल लिंक में हमने यहां इसको कर दिया, 3D सेटिंग कर देते हैं। चलिए अब देखिए, ये भी लिस्ट बॉक्स की तरह ही वर्क करता है। इसमें एक और भी आता है नेक्स्ट प्रीवियस, अगर आपको नेक्स्ट प्रीवियस करना है तो नेक्स्ट प्रीवियस, लेकिन नेक्स्ट प्रीवियस चार्ट्स पे सही नहीं रहेगा। चलिए इसके लिए हम एक छोटा सा डेटा करते हैं, बनाते हैं, जैसे कि नेम जैन फैब सेल्स करके यहां पर ले देते हैं। एक डेटा हमने दिसंबर तक का बनाया हुआ, एक बड़ा सा डेटा है यहां पर, और मैं यहां चार्ट यहां पे हम नेम डालते हैं, नेम नहीं ये हेडिंग लिखा जाता हूं, ऑफसेट हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको कॉमा हमने रेफरेंस में दे दिया, इस यहाँ पे कॉमा 0। आगे हम ड्रैग करेंगे तो B3 को फ्रीज कर देता हूँ, फिर आगे ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे 1। अब मान लीजिए कि ये हमारा डेटा है, इसको हमने अच्छे से फॉर्मेट कर देता हूँ, यहाँ पे चार्ट वगैरह चाहिए तो चार्ट वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन हम इस बार डेटा पे कर रहे हैं। मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि हम अपना ये जो बटन से हम चार्ट में ही इस्तेमाल करें, हम हर जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ डेवलपर में आता हूँ और यहाँ हमारे पास है स्पाइन बटन, इस स्पाइन बटन को लिया और इस पर क्लिक, तो छोटा बड़ा इस तरह सब कर सकते हैं। जब बड़ा बना दिया, आप लोग अपने हिसाब से बनाइएगा।
मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्म कंट्रोल, कंट्रोल पे। अब इसकी मिनिमम मैक्सिमम रहने दीजिए, इसमें हमारे पास ये सेल लिंक है, इसको सेलेक्ट कर लिया। आपका प्रीवियस, नेक्स्ट, ठीक है। इस तरह की रिपोर्ट बना सकते हैं, इसमें नेक्स्ट और प्रीवियस की रिपोर्ट इस तरह से डाल सकते हैं। समझ आया सर? ओके। मेरा में तो थोड़ा ना, मेरा में क्या था, आप वाले में क्या है, आप बटन्स की हम बात करते हैं। यहाँ हमने, हमारे पास मैंने यहाँ इस नेम को उठाता हूँ, यहाँ कॉपी करता हूँ। यहाँ पे हम वन मैनुअली रख देते हैं और यहाँ पे ऑफसेट लगाते हैं। ऑफसेट हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉमा, रो नंबर हम जीरो कर देते हैं, कॉलम नंबर हम यहाँ वन को सिलेक्ट कर लेते हैं और A17 को हम फ्रीज करते हैं और नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। ऊपर हम यहां चार्ट इस्तेमाल करते हैं, चार्ट का डिजाइन बड़ा अच्छा ले लेते हैं। उसके बाद डेवलपर में आता हूं और यहां से मैं ऑप्शन बटन ये वाला लेता हूं, और इसमें मैं एक एक करके जैन इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं यहां से। राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट कंट्रोल कीजिए, एक ड्रैग करने के बाद 3D शेडिंग और सेल लिंक में हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। एक कर लिया एक को, अब उसके बाद इसको यहां से लीजिए, कंट्रोल प्रेस कीजिए और इसको कॉपी करते चले जाइए। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसको अपने हिसाब से अरेंज भी करते जाइए। फिर इसका एडिट टेक्स्ट में आके नाम चेंज कर दीजिए, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब देखिए जैन पे क्लिक करता हूं तो जैन का फाइव करता हूं, फाइव, सॉरी सॉरी, हमने एक छोटी सी गलती कर दी है, हमने यहां कर देता हूं, जैन पे क्लिक किया, जैन का रिपोर्ट आ गया। फाइव पे करता हूं तो फाइव का, राइट सर। अगर इसको और बेटर देखा जाए तो मान लीजिए कि मेरे पास दो डेटाबेस है, यहां पे पहला मान लीजिए हमारा यहां पे दिल्ली का है और कट कर लिया था मैंने, ये हमारा मुंबई का है, पुणे से मान लीजिए पुणे का है, दोनों का हम वैल्यू फेस कर देते हैं। मेरे पास दो डिफरेंट डिफरेंट डेटा है, हमने एक समरी हम यहां बना रहे हैं, एक छोटा सा समरी मैं बना रहा हूं,
यहाँ पे हमने पेस्ट कर। यहां से रिमूव डुप्लीकेट जो मैं कल बताया था ना वो कर देता हूं। Jan 5 के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। मुझे इसमें चाहिए, तो प्रॉब्लम है कि मैं यहां एक काम करना चाहता हूं, मैं डेटा में आता हूं, डेवलपर टैब में आता हूं और यहां से बटन लेता हूं, बटन को ड्रैग करता हूं और यहां जैन सॉरी यहां पे दिल्ली, मर्ज कर देता हूं इसको तो ठीक दिखेगा। और यहां हम एक और यहां लेते हैं, पुणे कर लेते हैं। दोनों को सेलेक्ट करते हैं फॉर्मेट कंट्रोल में, कंट्रोल सब 3D सेटिंग कर देता हूं और इसको लिंक कर देता हूं। मान लीजिए यहां यहां पे फॉर्मेट कंट्रोल और हमने इसको लिंक ऑलरेडी है लिंक 3D, एक पे करते हैं बाकी सब अपने आप हो जाता है। अब जैसे मैं इस पे क्लिक किया तो 1 आएगा, इस पे करूंगा तो 2 आएगा, 1 2 1 2 1 2। अब यहां पे क्वेश्चन यहां पर ये है कि अगर 1 आया तो पुणे शीट से लेना है, 2 आया तो दिल्ली शीट से डेटा लेना है, ठीक है सर। तो यहां हम सम इफ्स का फॉर्मूला लगाते हैं, सम इफ्स। सबसे पहले हम पुणे में जाते हैं, पहले सम रेंज लेते हैं, क्राइटेरिया 1 रेंज और हम समरी में क्राइटेरिया 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं, जन का टोटल आ जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहां जो पुणे है हमारा, यहां पे अगर मान लीजिए मैं दिल्ली सेलेक्ट किया तो दिल्ली सीट से जाना चाहिए, तो इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों का यहां पे दिल्ली सीट का भी मैं काम करता हूं, दिल्ली सीट का भी मैं जनवरी का टोटल लेता हूं, सम इफ्स। दिल्ली सीट में आया, हमने सम रेंज को सेलेक्ट किया, क्राइटेरिया 1 रेंज को सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम वापस समरी पे आते हैं और हम अपनी क्राइटेरिया पूजा को सेलेक्ट करते हैं। दो फॉर्मूले, अब दोनों में से कोई एक ही वर्क होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं फ्रीज कर देता हूँ कि मुझे इसको F4 से फ्रीज करना है, A6 का A फ्रीज करना है, B को रहने देता हूँ क्योंकि BCD मंथ वाइज चेंज होते रहेंगे, इसलिए यहां हम चूज का फॉर्मूला लगाते हैं। चूज अगर या A1 हुआ तो दिल्ली वाला चले नहीं तो पुणे वाला चले। अब दोनों फॉर्मूला को हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। B6 का निकाल कॉपी किया था मैं, B6 और यहां B7। दोनों फॉर्मूला हमने इसमें लगा दिया, कट किया
इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ड्रैग करने से पहले मुझे ए टू को फिक्स करना पड़ेगा। अब इसको हम यहाँ पे नीचे आगे पीछे ऊपर नीचे ड्रैग कर देते हैं। सुधीर जी कैसी लगी सर? सर बहुत ही अच्छा है, पर इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर हम ऐसा कर लें, मान लीजिए कि शीट नंबर ऑफ शीट्स ज्यादा हो, बजाय चूज लगाने के यहाँ हम शीट्स के हर एक मास्टर शीट में जहाँ बना रहे हैं हर शीट का नाम फाइल नेम से उठा लें, देन वहां से चूज लगा लें, या मतलब वहां से मैच इंडेक्स लगा लें। जैसे आप बोलते हैं कि मैं यहाँ हमारे पास शीट्स के नाम अलग अलग है, बोल रहे हैं आप बहुत सारे शीट्स हैं, बहुत सारे शीट्स हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए शीट का नेम चेंज हो गया तो फर्क नहीं पड़ेगा। एक वन एंड टू, देखिए इसमें प्रॉब्लम है, इसमें क्या है, यह तो जा सकता है लेकिन फिर आपको हर कॉलम के लिए अलग अलग फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे वन बाय वन, क्योंकि प्रॉब्लम है कि फिर हम ड्रैग करेंगे तो हमारा ड्रैग नहीं हो पाएगा ना, जे जो है बी सी डी ऐसे नहीं इंक्रीज होगा ना। इसमें आपको क्या करना होगा, अब यहाँ जैसे कि समित लगा है, समित एक बार समित में लगा देता हूँ, हमने सम रेंज को सिलेक्ट किया, क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट किया और यहाँ समरी पे आया, हमने क्राइटेरिया सिलेक्ट किया, ये हो गया ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, जो पुणे आ रहा है ना इसको डिलीट कर देना, बाकी को इन्वर्टेड कॉमा में रख देना। कॉन्केटनेट करेंगे? जी हाँ, फिर इसको सिलेक्ट करके कॉन्केटनेट कर देंगे। जब कॉन्केटनेट करेंगे, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इसके लिए हमें इनडायरेक्ट लगाना होगा। ओके, हाँ इनडायरेक्ट से लगाएंगे। ओके, समझ गए। और सेम ही यहाँ पे, ओके, इसको इनडायरेक्ट के अंदर इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉन्केट करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में हम इस ए और ए बी को देंगे। ठीक है सर? ओके ठीक सर, अब आपका कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो। हाँ और तो बनी गया, तो इस वाला लेकिन प्रॉब्लम वही है कि फिर हर सेल में, क्योंकि बी जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है ना, ऑटोमेटिक तो नहीं ना हो। ओके सेलेक्ट बी से भी, ओके ये चेंज नहीं होगा तो आपको हाँ। सारे में एक एक कमेंट लगाना पड़ेगा, इसलिए वो एग्जांपल मैंने नहीं लिया, मैंने इस एग्जांपल को। ओके हाँ, ऐसा कोई तरीका नहीं जिसमें हम ये फिर उसमें और लफड़ा करना पड़ेगा? नहीं तो तरीका तो निकल जाएगा पर लफड़ा करना पड़ेगा, हाँ डिफिकल्ट होगा। ओके ओके ठीक ठीक, तो अब यहाँ पे एक दिक्कत और आती है, समझे? मेरे पास डेटा दिख रहा है, निमन दिख रहा है, दिख रहा है ना सर? मैं यहाँ पे दो चीज करना चाहता हूँ, इसी एग्जांपल को मैं लेता हूँ आगे, इसी एग्जांपल लेता हूँ। इसमें हमें क्या है कि हमने यहाँ पे दिल्ली और पुणे का तो लगा दिया हुआ है, मंथ अलग अलग जो मंथ किए हुए हैं मुझे अलग अलग मंथ नहीं करना है, ठीक है? मैं यहाँ पे मंथ खुद सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं यहाँ अगर आता हूँ इसमें डेवलपर टैब में और यहाँ से कॉमा वर्क डिफाइन करता हूँ, छोटी सी प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए मैंने इसमें जनवरी कर दिया, तो यहाँ पे जनवरी के लिए हम अलग रखना चाहते हैं, जैन करना चाहते हैं ना सर?
लेकिन जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ थ्री हो गया, मतलब कि वो इसी को कंसीडर कर रहा है, अच्छा पुराने वाला भी, ओके समझ गए। ओके ओके ओके, आपको आपको ऐसा करना कि नहीं ये दो चीज अलग है और मैं आगे अलग करना चाहता हूँ, दोनों अलग सेपरेट हो जाए दोनों, ये जो तो आपने गौर किया होगा कि जैसे पेस्ट स्पेशली ले लीजिए, तो ये आपका पेस्ट का पार्ट है, ये आपका ऑपरेशन का पार्ट है। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऑपरेशन चेंज, दोनों को इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकता हूँ ना सर? क्या तो इस लाइन, इसमें एक लाइन दिख रहा होगा, लाइन दिख रहा है ना सर? इसको बोलते हैं ग्रुप बार। ओके, ये आपका इरा ग्रुप बॉक्स, ग्रुप बॉक्स। और ग्रुप बॉक्स के अंदर में, अच्छा अच्छा इनको ग्रुप में डाल दिया, ग्रुप बन गया इनका। हाँ, इसके अंदर ग्रुप बॉक्स में अब ऊपर जो ग्रुप बॉक्स दिखा हुआ है उसमें आप दे दीजिए भाई मंथ, यस आप लोग अपने डैशबोर्ड पे इसको अच्छे तरीके से बनाइएगा, मैं रफली बता रहा हूँ, ठीक है ना? ऐसे भी बहुत अच्छे अट्रैक्टिव वे भी बनता है सर डैशबोर्ड पे। तो यहाँ हमने लिया और बटन्स लिए और अपने मंथ, जो भी मंथ है फिलहाल हम यहाँ पे डिजाइन करते चले जा रहे हैं, ठीक है? इसको वन काउंट करेगा। यहाँ पे जैन दिया, राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल में आते हैं, 3D शेडिंग एंड ओके, और राइट क्लिक किया फॉर्मेट कंट्रोल, और इसमें हमने जो सेल लिंक ऊपर दिए हुए हैं उस सेल लिंक को हम यहाँ डाल देते हैं, या कहीं और दे देते हैं, ये वन अलग है, नहीं नहीं अभी भी ये आ रहा है, तो इसको बीच में डालना होता है, समझे ना? बड़ा करके अब डल गया, अब हो गया सर। अब इसको आगे ड्रैग कर दूं इस तरह से,
हेलो जी। सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, रही है। एक छोटी समस्या ये है कि जब हमारा ऑफसेट वैल्यूज ही नहीं ला रहा है, या सेलेक्ट लेट करके तब उसमें वैल्यूज डालें हम, तो तब तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी इनमें। नहीं, आप देखिए, उसी चीज को सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्योंकि जब तक ऑफसेट वैल्यूज नहीं लाएगा तो इसका फायदा नहीं है। इसमें राइट क्लिक किया हमने फॉर्म, यहाँ पे फॉर्मेट कंट्रोल में, और सेल लिंक में हमने यहाँ डाल दिया। अब देखिए, ये अलग है। अब यहाँ पे पुणे और दिल्ली सेलेक्ट करते हैं तो उसका अलग नंबर है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी इसमें? अच्छा नहीं, वो छोटा था इसलिए वो उसको ले नहीं रहा था, सर अच्छा अच्छा थोड़ा बड़ा सा नहीं जा रहा तो डिजाइन ओवर हो गया था, सर बड़ा कर दिया तो हो गया। ठीक है, दोनों का अलग है, इसका भी अलग। ठीक 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 प्रॉब्लम ये है ओके कि अब इसमें हमें यहाँ चूज फॉर्मूला या इफ फॉर्मूला लगा के हमने किया कि भाई यहाँ अगर वन हो तो यहाँ पे आ जाए जैन, टू हो तो आ जाए फायर, थ्री हो जाए तो आ जाए मार्च, फोर हो तो जाए अप्रैल, या लुकअप भी लगा सकते लिस्ट बना के, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हमने वन दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करेंगे वो मंथ आएगा। फिर मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे हमने बोला मैच का फॉर्मूला। मैच फॉर्मूला में हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने डेटा में चले गए, जो भी हमारा डेटा है। जी आ गया, थ्री आ गया सर, ठीक सर। हाँ, तीसरे नंबर पे। ओके लेकिन वो भी दिल्ली का थ्री, क्योंकि दोनों का हो सकता है सीक्वेंस अलग अलग हो क्या। तो इसको हम इनडायरेक्ट फॉर्मूले में डालते हैं, इस दिल्ली को सेलेक्ट करते हैं एन परसेंट और इसमें हम डाल देते हैं। ये आपका आ गया थ्री, कॉलम नंबर थ्री। अब मेरे पास एक एड्रेस का फॉर्मूला है। एड्रेस के फॉर्मूले में मुझे रो नंबर वन कॉलम नंबर थ्री एब्सोल्यूट करना है। हमने कर दिया फोर, नो एब्सोल्यूट, मतलब कि डॉलर साइन नहीं लगाना है। और ए वन आर वन सी वन स्टाइल चाहिए, हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। और सीन टेक्स्ट, सीन का नाम क्या है, हमने दिल्ली ये सीन दे दिया। आप देख रहे हैं दिल्ली में सीन वन कर नहीं, ये तरह एक बार एड्रेस वाले सर चीज दोबारा से एक बार करिएगा थोड़ा। देखिए एड्रेस का, अच्छा दिल्ली मतलब हमारा हमारा करता हूँ उद्देश्य ना क्या है, मैं, हम ये सिंपल सा लगाइए कि एड्रेस यहाँ पे रो नंबर वन दे दिया और कॉलम नंबर थ्री दे दिया, ए बना दिया, ए बी सी डी में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ डॉलर का साइन लग के आ गया ना, तो इसके लिए हमने यहाँ पे कॉमा कॉमा, ये जो आपका होता है ना उसमें चार नंबर सेलेक्ट कर देंगे तो डॉलर हट जाता है। मैंने क्या किया इसमें, लेफ्ट का फॉर्मूला लगाया और लेफ्ट से एक लेटर अलग कर दिया, ये आ गया सिर्फ। और इसी फॉर्मूले को कॉपी किया, इसके अंदर एन परसेंट ओके हमने इस फॉर्मूले को रिपीट कर दिया तो सी बाई सी आ गया सर। ठीक है सर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ इसके डायरेक्ट फॉर्मूला में जो कॉलम नंबर हमने यहाँ रेफरेंस दिया हुआ है बी वाई सी वाई, इसको डिलीट करते हैं, इसके जगह पे हम कॉन्केट कर देते हैं इसको। कॉलम कॉलम की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, ओके हल्का हल्का एक बार बनाना। ठीक
ई फोर बी वाई से बी वाई अच्छा यहाँ भी एक मिनट नहीं एक छोटी सी गलती हो गई सर इसमें छोटी सी गलती हो गई सर गलती क्या हुआ ये जो हमारा सी फोर था ना सर इसमें तो हमारा ए बाई ए इसमें ये तो रहेगा ये जो हमारा ए है ना यहाँ पे इसको चेंज नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये तो फिक्स है ना कंडीशन नेम का ए पे डेटा में हमारा तो फिक्स है ना कि एक कॉलम में है सर हो गया हम नीचे ड्रैग करने से पहले ई फोर को फ्री कर देते और बी टू भी फ्रीज होगा यहाँ पे बी टू फ्रीज होगा अब यहाँ पे मैं टू यहाँ पे देखिए फैब करता हूँ फैब का आ रहा है मार्च करता हूँ मार्च का आ रहा है अप्रैल करता हूँ अप्रैल का आ रहा है दिल्ली करता हूँ दिल्ली पुणे करता हूँ पुणे मल्टी कंडीशन हो गए अब इसी तरह से ज्यादा कंडीशन करने हैं तो इसी तरह से इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं एक बार पहले भी नहीं समझ ले जरा मैं समझता हूँ समझिए सिंपल सी बात मैं पहले पहले एग्जांपल से आता हूँ ठीक है हमारा डेटा दो सीटों पे डाला है दिल्ली सीट और पुणे सीट ठीक है तो हमने सबसे पहले तो दो ड्रॉप डाउन ये बताए बटन बताए ठीक है इसको ए क्या करता है वन एंड टू में रिजल्ट देता है तो हमने यहाँ पे दो फॉर्म में बनाया कि हमें सूच को बोला कि अगर यहाँ वन है तो सम इफ का फॉर्मूला चले दिल्ली वाला टू है तो पुणे वाला राइट सर ओके सिंपल बात समझिए तो ये आपका रेडियो बटन जस्ट नंबर दे रहा है हम नंबर के बिहाफ पे अपनी कंडीशन अप्लाई करना ओके 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 समरी शीट पे क्या हुआ कि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक कॉलम है यहाँ पे दो कंडीशन यहाँ पे क्या था कि कंडीशन फिक्स था कि हमें बस दो चूज करना है बट यहाँ पे मेरे पास चार कंडीशन है कि मैं अपना डेटा भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि किस डेटा से चाहिए और मैं कॉलम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ किस कॉलम से चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ग्रुप बॉक्स लिया ताकि मैं इसके साथ इसका लिंक हटा सकूं बड़ा सा ओके ग्रुप में डाल दिया ठीक है दूसरा सिटी का लिस्ट हमने यहाँ से लिया ताकि यहाँ पे दिल्ली लिख सके ताकि सिटी भी हम चेंज कर सके राइट अब प्रॉब्लम आती है कॉलम की क्योंकि हमने फाइव किया तो ये जो रेडियो बटन है ये टू दे रहा है ये फाइव नहीं दे रहा है मैच फॉर्मूला लगाया हमने चूज फॉर्मूला लगाया इसको मैंने जैन फाइव मार्च में कन्वर्ट किया ओके और फिर हमने मैच फॉर्मूले से इस फरवरी महीने की इस पर्टिकुलर शीट का कॉलम नंबर निकाला कि आखिर इसका कॉलम का नंबर क्या है तो इसके लिए हमारा मदद किया एड्रेस का फॉर्मूला एड्रेस फॉर्मूला क्या होता है कि उसमें रो नंबर कॉलम नंबर नंबर में डालते तो वो एड्रेस बना के देते ओके हाँ ये यहाँ से एड्रेस ना है ठीक है तो इसमें एक एक होता है एब्सोल्यूट मतलब कि डॉलर साइन चाहिए या नहीं चाहिए चौथा नंबर होता है रिलेटिव तो इसमें डॉलर साइन नहीं आता सी वन आ गया ओके हमने लेफ्ट से इसका एक करेक्ट निकाल लिया क्या हो गया सी हो गया ओके और इसी दोनों का हमने इसी फॉर्मूले के दो बार रिपीट कर दिया बीच में हमने सेमी कोलन डाल दिया क्यों क्योंकि जब हम फॉर्मूला लगाते हैं कोई भी कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो सी बाई सी कुछ इस तरह से लिखा
समझ गए। ओके ओके तो हमारा सी, हमने सी को रिपीट कर दिया तो सी बाई सी हो गया। अब मेरे पास सीट का नेम है, मेरे पास कॉलम का नेम, हमने यहाँ पे सबमिफ लगाया और इनडायरेक्ट फॉर्मूला में क्या दिया कि भाई सी बाई, जैसे यहाँ पे ए बाई ए दिया हुआ है ना, ऐसे सी बाई सी तुम यहाँ ई फोर से ले लो, मतलब सीट ने मिल गया यहाँ से, बीच में एक्सप्रेशन मार्क आ गया, हमें मैनुअल दे दिया, जो सी बाई सी डिवाइडेड कॉलन होता है वो यहाँ से मिल गया। इनडायरेक्ट ने इसको एक एक रेफरेंस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे दिया, सब इसको सब इसको जज दे दिया। सर अगर हम ये रेडियो बटन ना बना करके यहाँ लिस्ट बना लें तभी काम करेगा सर? उससे मतलब नहीं है, रेडियो बटन है जस्ट 1 2 3 इंटरफेस दे रहा है, 1 2 3 ओके, बाकी सारा काम तो इस नंबर पे है ना, नंबर नंबर पे बिल्कुल बिल्कुल, इस नंबर को चेंज कर देना। ओके तो आप अगर डायरेक्ट डायरेक्ट अगर आप जैन फाइव का लिस्ट दे दे तो ये आपका चूज का फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ, हाँ, लेकिन okay. क्या हुआ फिर वो इंटरफेस जो है ना, वो इंटरफेस इंटरफेस बिल्कुल इंटरफेस चाहिए वो नहीं रहेगा, ये रेडियो बटन में थोड़ा सा फील होता है। हाँ, क्या एक सॉफ्टवेयर वाली फील होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। ओके समझे, ठीक 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 सर, ओके। बस में ये समस्या रहेगी, मान लीजिए डेटा चेंज होना चाहिए हमारा सोर्स स्टेटस में, एक आध कॉलम बढ़ेगा घटेगा तब गड़बड़ हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इसमें एग्जांपल कोई प्रॉब्लम नहीं है। हां क्योंकि वो जब बढ़ेगा ना, जो चूज पे डाल दीजिए, नहीं नहीं जो हम लेफ्ट से हमने एक निकाला ना, सी1 से आपने लेफ्ट में सी निकाला ओनली, तो सर ये तो जेड तक जाएगा है ना सर, 26 कॉलम तक। अगर अगर डबल डबल कैरेक्टर होगा ना वहीं पे, अगर डबल कैरेक्टर होगा तो फिर हम लगा लेंगे कोई फार्मूला लगा लेंगे नंबर स्टैक करने वाला। हाँ तब ऐसा ऐसा तो कुछ तो जुगाड़ ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो 1 1 को फाइंड करके हटा लेंगे चाहे। हाँ अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है ना जैसे कि सी, हाँ, तो 1 तो फिक्स रहेगा क्योंकि हमने एड्रेस फार्मूले में मैन्युअली 1 डाला हुआ है ना। अब इसके सी1 हो सकता है या ए1 हो सकता है, क्लास में मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता ना, क्योंकि आप सर चैंपियन है, बाकी लोग भी चैंपियन नहीं नहीं सर, अरे नहीं नहीं सर चैंपियन पर कोई नहीं, सब इसलिए हमें वो ऐसा एग्जांपल देना होता है कि सबको समझ में आए। ओके नहीं नहीं सर ठीक है ना, लेकिन एवरीवन इज चैंपियन, हेमा जी लोग है ना, ये कंचन जी हेमा जी लोग हैं, ये लोग एवरेज हैं, बात करने से पता चल जाता है। श्याम जी है वो चैंपियन है, आप हैं, अरविंद जी भी है, ठीक सुधीर जी आज जो आप बता रहे हैं ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है मेरे लिए सुजीत जी, मतलब ऐसे मैंने यूज तो किया है लेकिन ऐसे अभी तक ग्राफ के साथ चार्ट के साथ और इस तरीके से डायनामिकली यूज नहीं किया था। मेरा एक इसमें सवाल है कि क्या इसके थ्रू हम लोग जैसे अगर कभी मुझे कोई रो नई रो ऐड करनी है या मुझे कुछ रो डिलीट करनी है क्या ये भी मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ एक्सेल में? देखिए बात समझिए, फॉर्मूला जो है आपका जस्ट कैलकुलेट करता है, बात समझिए, तो डिलीट और इंसर्ट जैसे कमांड को ट्रिगर करने के लिए VBA प्रोग्रामिंग ही लिखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सर, समझ गया ना? ओके और क्या फॉर्मूला से मैं लास्ट VBA मैक्रो बनाने के बाद आप इस बटन के थ्रू ट्रिगर कर, हां मैक्रो से तो मैंने करा है ये VBA से किया है, डिलीट जो होता है ना ऐसे समझ जाइए, सिंपल सी बात, डिलीट करना इंसर्ट करना और जो इस तरह के जो चीजें होती है इसको इवेंट कहते हैं, जिससे चेंज होता है हमारा स्ट्रक्चर चेंज होता है, वो इवेंट VBA ही ट्रिगर कर पाता है, या फिर इसमें जो डिफाइन की गई फीचर्स है उसके जरिए कर सकते हैं या फिर VBA के जरिए कर सकते हैं, सिंपल सा थ्योरी का पार्ट है, इवेंट
ट्रिगर होगी तो डिफाइन फीचर से होगी या फिर कभी कभी फॉर्मूला से ना हमें लास्ट ब्लैंक या लास्ट फील्ड सेल ढूंढने की जरूरत पड़ती है। हाँ, तो उसके भी... लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो हो सकता है, उसके लिए तो एरे फॉर्मूला है ना आपके पास। हाँ जैसे आप ये बोल रहे हैं ना कि आपके पास डेटा है और इस डेटा में आपको सबसे लास्ट वाला डेटा चाहिए, ये बोल रहे हैं। हाँ, डेटा चाहिए या इसके बाद वाले कॉलम में मुझे कुछ एंट्री करानी है। हाँ, मैं ये चाहता हूँ बाद वाले कॉलम में एंट्री करानी है तो इसके लिए एक फॉर्म नाम का ऑप्शन होता है। हाँ, पता है आपको फॉर्म? हाँ हाँ हाँ, यूजर फॉर्म जो है। नहीं, यूजर फॉर्म नहीं, एक्सेल में फॉर्म होता है सर। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ। Not command quick access वाला यहाँ पे एक होता है form, ये रहा ना form sir। हाँ, form को add करें। अब इस पे cursor रखिए, यहाँ पे new पे क्लिक कीजिए, सुनिए new पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे एंट्री कीजिए, मैंने यहाँ पे डाल दिया होम, बस जैसे टैब मारिएगा यहाँ पे न्यू, आप देखेंगे सबसे लास्ट में अच्छा ये अभी आपने कहाँ पे आया फॉर्म? ये देखिए ये फॉर्म जो है हिडन है, मतलब कि 2000 ये होम पे आया, होम के अंदर मेनू बार में, डेटा मेनू बार में रहता था, बट 2007 से इसको मेनू बार से बाहर कर दिया है। लेकिन ऑप्शन अवेलेबल है, इसके लिए आपको एक्सेल नहीं, मुझे दोबारा जैसे अभी आपको एक्सेस करना है तो कहाँ जाएंगे? मैं वही तो समझा रहा हूँ सर, मुझे भूलने का मौका दीजिए। फाइल मेनू बार में जाए, ऑप्शन पे जाए, ठीक है। अब आपको किसी मेनू बार के अंदर रखना है तो आप कस्टमाइज रिबन पे जाना होगा, नहीं आप ऊपर रखना चाहते हैं ऊपर में, ओके क्विक एक्सेस में रखना, क्विक एक्सेस टूल बार में जाना। अब यहाँ पे आइए, ऑल कमांड में भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ ऑल कमांड होता है, या फिर कमांड नॉट इन द रिबन भी क्लिक करेंगे और जैसे फॉर्म है तो मैंने एफ दबाया और सर्च कर लिया, यहाँ दिख गया फॉर्म मुझे। अब मैंने इसको यहाँ ऐड कर लिया, अच्छा जैसे मैं फॉर्म को ओपन करूंगा तो जो मेरे हेडर्स हैं वो ऑटोमेटिकली डेटा को रीड करेगा और डेटा को रीड करके आपको इस तरह का फॉर्म इंटरफेस देगा। यहाँ भी ऊपर सीट नेम आ जाएगा, जो सीट का नेम होगा ये सारे हेडर। अब यहाँ पे वन बाय वन देख भी सकते हो, जैसे कि यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट, इस तरह से वन बाय वन प्रीवियस, उसके बाद इसमें डिलीट करना है, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे नीरज को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट किया, डिलीट कर दिया। तो ये फॉर्म मतलब जैसे अभी इसको हम एक बार ओके कर लेंगे, फॉर्म यूज कर लेंगे तो ये फॉर्म फिर उसके बाद स्क्रीन से चला जाएगा ना, या हम इसको जब तक यहाँ से क्लोज नहीं करेंगे तब तक स्क्रीन से नहीं जाएगा। अच्छा, अगर मुझे किसी दूसरे को ये शीट भेजनी है तो उस केस में ही मैं ऐसे फॉर्म ओपन करके भेज सकता हूँ उसको? नहीं, या उसके नहीं, क्या? नहीं, नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक माइक्रो लिख देना होगा, ये बटन बना के क्लिक करते ही फॉर्म ओपन हो जाए। अच्छा, समझे? और डायरेक्ट बिना फॉर्म के लास्ट जो एम्प्टी सेल है वो नहीं सर्च कर सकते ना? नहीं, उस डेटा एम्प्टी सेल नहीं, समझे? लास्ट एम्प्टी सेल कर्सर ले जाना चाहते हैं आप? नहीं, मैं कर्सर के अलावा कोई एंट्री करना चाहता हूँ तब। नहीं, तो उसके लिए फिर वीवीए कोडिंग के थ्रू जाना होगा। अच्छा, इवेंट जो है, इवेंट तो सर नहीं मिल पाएगा ना, या फिर प्री डिफाइन फंक्शन करता है। आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे आपको ये पता करना है कि लास्ट लास्ट सेल को, लास्ट ब्लैंक कौन सा है या लास्ट सेल पे डेटा कौन सा है, वो फॉर्मूला लुकअप करके शो कर सकता है किसी लोकेशन पे। अच्छा, वो कर सकते हैं।
ओके सर, ओके ओके, आगे बढ़िए। अब आगे हम ये जानना चाह रहे थे कि आप हमारे सामने डेटा है, अब इस बड़े से डेटा को समरी शीट पे, ये समरी शीट आपको दिख रहा है ना सर, ये समरी शीट हमने बनाया हुआ है, एक और समरी शीट बनाते हैं, सॉरी इसी डेटा इसी में रखते हैं सर, मैं इसी को छोटा कर देता हूँ, जून को बाद हटा देता हूँ। अब इतना बड़ा डेटा है, मुझे इस डेटा को अपने अपने डैशबोर्ड या किसी रिपोर्ट समरी मैंने बनाया हुआ है, तो मुझे इतने एरिया में पूरा डेटा शो करना है, क्या लग रहा है सर, पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, स्क्रॉल बार कुछ बनता है इसमें, मैंने कभी बना दिया है, स्क्रॉल बार लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो आप सीट देख रहे हैं ये भी आपका 30 तक ही है ना सर, जब इसको आप स्क्रॉल करते हैं तो क्या होता है, 2 से 31, 3 से 31, यही होता है ना सर, तो सेम चीज यहां किया जा सकता है। तो मैंने उसके लिए क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे वन लिखा, वन लिखने के बाद हम ऊपर जाएंगे, यहां देंगे फॉर्मूला ऑफसेट, सॉरी ऑफसेट, हम इसको सिलेक्ट करें, कॉमा, रोज को ले लिया कॉमा। अब यहां पे दिक्कत है कि मुझे जो फॉर्मूला लगाना है इसके नीचे, अब इसके एक मिनट, इसको फ्रीज करना है हमें, तो ए वन को हमें ए वन का वन फ्रीज करना है और I-15 को फ्रीज करना है। अब इसको फॉर्मूला को नीचे कॉपी करते हैं, यहां पे मुझे I-15 चलिए ऊपर से कॉपी करना होगा, यहां जो I-15 है इसमें मुझे करना होगा +1, सिंपल नीचे पेस्ट कीजिए, इसमें मुझे करना होगा +2, तो ऐसे वन बाय वन करने में दिक्कत होगा, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है रो का, रो फॉर्मूला क्या करता है, रो नंबर देता है, लेकिन मुझे यहाँ चाहिए, यहाँ पे मैं -2 कर दिया तो 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3, हमने यही तो प्लस किया है ना सर इसमें, तो क्यों ना मैं यहाँ इसमें प्लस रो का फॉर्मूला लगाता हूँ तो -2 करता हूँ, 2 इसलिए किया क्योंकि दूसरे नंबर रो में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, और फिर इसको नीचे तक ड्रैग करो, डेटा आ गया सर, और आगे यहां ड्रैग कर, अब क्या होगा कि मैं यहां अगर 2 लिखता हूं ना सर, तो ये कविता से लेके ये जो आपके पूजा के नीचे नीरज है, नीरज तक मतलब नंबर 3 से लेके नंबर 15 तक का शो करेगा, क्या ऐसे 4 करूंगा 3 करूंगा तो ऐसे आगे बढ़ेगा, तो इसका यू इसको मैंने हम यहाँ नंबर खुद से ना डालें, डेवलपर टाइम में हम यहाँ ये जो हमारा स्क्रॉल बार है इस स्क्रॉल बार को लेते हैं, और राइट क्लिक करते हैं फॉर्मेट कंट्रोल, कंट्रोल में आते हैं यहां इसको सेलेक्ट किया, और इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम है पर चेंज 1 कीजिए, मिनिमम जो है 0 रहेगा, मैक्सिमम में 200 या जो भी आपका नीचे जाए ना उस हिसाब से डाल दीजिए, यहाँ पे हमारा चल ठीक देख, ठीक है स्क्रॉल, तो इसका यूज आप लोग अपने डैशबोर्ड्स पे कर सकते हैं, एग्जांपल समझ में आया आपको? जी सुजीत जी, अच्छा एग्जांपल, ठीक ठीक चलिए अब एक
अगला एग्जांपल हम बात कर रहे हैं और ये लास्ट एग्जांपल है आज बनाने की, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देंगे आपको सॉल्व करने के लिए। जैसे कि मेरे पास मंथ है, आई थिंक इस सवाल को किसी ने पूछा था, मेरे पास जैन से लेकर दिसंबर तक का डेटा है, हमने सेल्स सेल्स का किया और यहाँ पे सेल का डेटा लिया। अब प्रॉब्लम ये है अभी तक मेरे पास जो है मार्च तक का डेटा, ठीक है, तो हमने इसको हटा दिया और मार्च के डेटा को सिलेक्ट किया एंड अप्लाई द चार्ट्स। चार्ट अप्लाई कर दिया, अब कल के डेट में मेरा अप्रैल का भी डेटा आ गया, अप्रैल का डेटा हमने डाल दिया। अब चार्ट के अंदर अप्रैल का डेटा नहीं, तो मुझे हर बार जब भी मेरा डेटा इंक्रीज होगा मुझे चार्ट को इंक्रीज करना होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि पहले से हम दे देते हैं एरिया, तो कुछ इस तरह से चार्ट दिखेगा जो कि गलत है। क्या इसको टेबल में, अगर टेबल में डिफाइन कर दें इसको मंथ सेल्स को, टेबल में डिफाइन करेंगे तो फिर ये जो डेटा है कहीं से लिंक्ड है, टेबल में फॉर्मूला लगा सकते हैं। आई थिंक टेबल में भी डिफाइन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे लिए एक बार करके देखिएगा, टेबल करते नहीं काम, ये टेबल पे आई थिंक काम तो करेगा, थ्योरी तो करेगी काम करेगा, लेकिन क्या बोलते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है डेटा एंट्री में, कॉपी पेस्ट में, ओके, थोड़ा मर्ज वर्ज में समस्या होती है इसमें, बाकी मेरे ख्याल अगर एंट्री करके देखें नहीं, कॉपी पेस्ट में प्रॉब्लम होती है। ओके ओके, जैसे मैं यहां पे ले लिया माइक, चेंज तो हो रहा है, ठीक है, बोला नहीं कि जब कॉपी पेस्ट करते हैं और बहुत सारी चीजें होती है तो टेबल को हर जगह यूज नहीं कर सकते, सिंपल बात समझे, ठीक 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 है, कुछ ऐसा होना चाहिए जो टेबल के बगैर हो। ओके, याद होगा हमने आपको पिवट टेबल में जो एक्सटर्नल पिवट टेबल पढ़ाया था उसमें बताया था कि ऑटोमेटिक कैसे लेता है, याद है सर? ऑटोमेटिक भूल गए, डिफाइन नेम किया था, हाँ कुछ शायद याद तो आ रहा है, वो चीज यहाँ सेम करेंगे, यहाँ हम लगाएंगे फॉर्मूला ऑफसेट का, ऑफसेट रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, रो नंबर हम लिखेंगे 1, कॉलम नंबर 0, हाइट के लिए हम यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला काउंट ए का। अब काउंट ए कॉलम सेलेक्ट कर लिया तो इसमें हेडिंग काउंट करेगा इसलिए -1 करते हैं, और विड्थ को हम 1 ले लेते हैं। ओके ठीक है, ऑफसेट लगा दिया, फ्रीज करेंगे और फ्रीज करने के बाद हमें इसको उठा के रखना है इसमें डिफाइन नेम, डिफाइन नेम यहाँ पे हमने कर दिया एमएम मंथ के लिए और हमने इसको पेस्ट कर, ओके, फिर वापस हम इसी फॉर्मूले में चेंज करेंगे, इसमें मुझे कुछ खास चेंज नहीं करना है, बस 0 कॉलम 0 को 1 कर देना, सिंपल, ठीक है, ओके, और फिर फॉर्मूले को कॉपी करते हैं और यहाँ डिफाइन नेम और यहाँ पे हम लिख देते हैं एसएस सेल्स और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। अब जैसे किसी सीरीज को सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर फॉर्मूला होता है, तो पहला जो आप देख रहे हैं फॉर्मूला ये होता है हेडिंग, जो सेल्स आता है ना ये हेडिंग होता है, दूसरा जो देख रहे हैं आप ये दूसरा फॉर्मूला होता है इसका सीरीज एक्सिस जिससे बनता है ओ, और तीसरा जो आप देखते हैं वो तीसरा होता है आपका सीरीज मतलब कि जहाँ से डेटा लेता है। तो मैंने क्या किया कि इसके डिलीट किया इसको, इसके जगह पर लिख दिया MM, ठीक है, और इस वाले जहाँ हमारा फिगर था फिगर को डिलीट किया, इसके दिया मैंने SS, reference is not valid, हमें सीट का नेम आई थिंक नहीं हटाना होगा, सीट का नेम हटा दीजिए, इसमें कर दीजिए MM और इसमें हम कर देते हैं SS, अब ले लिया। अब यहां पे मैं चेंज करता हूं माइक, सीरीज कहां लगाया सर आपने ये, मैं थोड़ा क्या, जब इसको सीरीज किया ना अपने सीरीज को, ऊपर फॉर्मूला आ गया सीरीज का,
अच्छा ऊपर सिलेक्ट चार्ट पे, ओके ठीक है। तो जो इसका फॉर्मूला था उसका सीट नाम छोड़ के उसके आगे एमएम कर दिया, और जो इसका फॉर्मूला था इसका लिंक रेफरेंस था उसके जगह पे कर दिया, एंटर मारा तो सीप नेम ऑटोमेटिक फाइल नेम में चेंज हो गया, ठीक है ओके ठीक ठीक ठीक। एक इसी को बोलते हैं डायनेमिक नेम मेथड, नेम जो है डायनेमिक चेंज होते रहेगा, ओके समझ में आया ठीक 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 समझ में तो आ ही रहा है लेकिन अभी याद रखना भी थोड़ा। हाँ तो यहाँ पे मैं जो है अपने हिसाब से जो सारे चीजें कवर कर दिया, अब आप एक अगली क्लास होगी जिसमें हम बात करेंगे कुछ रिपोर्ट ऑटोमेशन से कि हम कैसे रिपोर्ट को ऑटोमेट, ताकि अभी तक जो फॉर्मूला बता रहा हूँ वो रिपोर्ट ऑटोमेशन से ही मिला हुआ है, लेकिन कल कुछ और रिपोर्ट ऑटोमेशन की एग्जाम्पल दूंगा। तो कल की क्लास जो होगी वो मिक्सअप क्लास होगी, इसमें सारे टॉपिक मैं कवर करूंगा। उसके बाद एक फाइल आप लोगों को दी जाएगी, उस फाइल को आप लोग सैटरडे एंड संडे में चेंज करेंगे, बनाएंगे और मंडे को सबमिट करेंगे, ठीक है। मैं मंडे तो छुट्टी रहेगी, आई थिंक होली वगैरह है, तो नेक्स्ट क्लास में आप डालेंगे। लेकिन उससे पहले आज जो है कल तक जो है आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन क्या है हम आपको बताते हैं, एक बार क्वेश्चन क्वेश्चन भी छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं है, आपको मजा आएगा। सो देखिए आपके 10 क्वेश्चन, 10 नहीं 9 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मेरे पास एक स्टार्ट डेट और एक एंड डेट है, एक स्टार्ट डेट और एक एंड डेट, यहाँ आप अपने हिसाब से डेट डाल सकते हैं, ठीक है ओके। वी हैव द स्टार्ट डेट एंड डेट, मुझे इसके बीच में नंबर ऑफ संडे को कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करते समय हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसी फॉर्मूला लगाएं जो हर पीसी हर सिस्टम पे वर्क करे। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि मैं यहाँ मंथ, जैसे कभी कभी क्या होती है ना आप लोगों की यहाँ की सेकेंड सैटरडे छुट्टी होती है या लास्ट छुट्टी होती है ना, तो आपको यहाँ पे सेकेंड सैटरडे और लास्ट सैटरडे, सैटरडे की जगह पे संडे मंडे ट्यूजडे भी हो सकता है, सेकेंड सैटरडे और लास्ट सैटरडे की डेट आपको निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब इसमें मुझे निकालना है वर्किंग आवर। जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रोजेक्ट को, एक प्रोजेक्ट मान लीजिए मैंने 15 फरवरी को मैंने लिया हुआ है, दोपहर के 2 बजे, 20 फरवरी को मैंने इसको हैंड ओवर किया है 3 बजे, मेरी सिर्फ टाइमिंग होती है 9 से 18 बजे, मतलब 9 से 6। अब मुझे इसमें वर्किंग आवर कैलकुलेट करना है ताकि मैं पेमेंट ले सकूं कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे कितना घंटा काम किया। तो 24 घंटा भी प्रोजेक्ट में काम नहीं करता हूं, दिन में सिर्फ 9 से 6 ही करता हूं, मतलब मतलब जो टोटल आवर्स आए हैं, मैं 15 तारीख को प्रोजेक्ट दोपहर के 2 बजे लिया है, 20 तारीख को प्रोजेक्ट आपको जो है इतने बजे देना है, सैटरडे संडे हमारी ऑफ होती है और भी गेस्टेड हॉलीडे हमारी होती है, और मैं सुबह 9 से लेके शाम के 6 बजे तक काम करता हूँ, ओके इस हिसाब से आपको आवर कैलकुलेट करनी है, ओके समझ गए। अब ऐसा नहीं कि दो दिन आया इसका मतलब है कि आपने 48 आवर डाल दिए, 48 आवर गलत होगा क्योंकि 2 दिन 48 आवर ग्रुप से उस पे काम ऑफिस से थोड़ी, ऑफिस तो मैं 9 से 6 ही था ना, नहीं इसमें हमें निकालना क्या है इसमें से आवर निकालने, आवर तो इस प्रोजेक्ट में जितने लगे होंगे वो तो
तब तो 24 से ज्यादा ही होंगे तब, मतलब मैंने जो भी एक एग्जांपल दिया कि मुझे मैंने 5 दिन जैसे 5 दिन काम किया है, ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ थी, ठीक है, उस दिन मैं नहीं गया, ठीक है, तो लगभग 3 दिन हुए मान लीजिए, मान लीजिए 3 दिन हुए, उसे ठीक तीन है, दिन भी मैं सुबह 9 से 18 ही काम किया हूँ, 6 घंटे, हाँ, तो उसके हिसाब से आवर निकालना है छह सात घंटे अच्छा 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 वो भले ही 24 है 22 है 20 है 25 है जो भी आए, जो भी है, क्योंकि मुझे उसी आवर के हिसाब से पेमेंट लेनी है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आपस में सम करना है। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 उनके लिए है जिनके पास ऑफिस 365 है, श्याम जी आपके लिए, मुझे हर जो भी मैं टैक्स करता हूँ उसके बीच में मुझे डैश चाहिए, इसमें क्या ऐसे सब कुछ इसके अंदर सब कुछ लेकिन ये 13 पे नहीं होगा, 16 में ऑफिस 365 इसमें टैक्स ज्वाइन का फॉर्मूला है वहां पे होगा सर। क्वेश्चन नंबर 6, मुझे इस नंबर में से इसमें से इसमें नंबरों को जो नंबर है उसको स्टैक नंबर, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुझे हर थर्ड को सम करना है, बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं बता चुका हूँ सर इसलिए बोला थर्ड डेटा, एक दो तीसरा नहीं, थर्ड थर्ड कहाँ से काउंट होगा इसमें, तो दो ही, हर थर्ड पहला दूसरा तीसरा इसको सम करना है, ओके, इसको लेना है पहला नाम पहला है, नाम पहला है, उसके बाद जो लास्ट वाला है वो दो तीसरा है, ओके, अमाउंट अमाउंट है, एमआरपी है, प्राइस है, तो उसका सम करना है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है, इसमें से हाउ मेनी यूनिक हाउ मेनी डुप्लीकेट्स काउंट सम है, ओके ठीक है, कितने से नंबर जो सिर्फ एक बार आए हुए हैं, कितने से नंबर है कि जो एक से वन टाइम आया हुआ है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, आई थिंक आप लोग बना पाए इस तरह का कैलेंडर बनाना है सर, दिख रहा है सर, ओके, ये बना हुआ कैलेंडर इसे छोड़ दिया हूं, आप लोग ये टेबल इनका उन्होंने बनाया है, तो ने बड़े-बड़े फॉर्मूले लगा रखे हैं इसमें, तो बड़े लंबे-लंबे सर, ये मैंने आज से 10 साल पहले बनाया था, मैं भी भूल गया हूं कैसे बना, आज तक कोई स्टूडेंट बना के दे ही नहीं पाया सर, जो श्याम जी बात कर रहे थे ना, इस कॉलम के अंदर लास्ट वैल्यू लास्ट में जो 126 है ना, इसको जो भी लास्ट वैल्यू उसको शो कराएं, हां मैं यहां पे अगर लिख दूं यहां पे 854 तब 126 यहां पे 854 आना चाहिए, ओके शो लास्ट वाला तो मतलब ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ दीजिए, आप लोगों के लिए नहीं है ये, हमारे जो न्यू स्टूडेंट उनके लिए होता है, तो आपके सामने क्वेश्चंस है आई थिंक 10, इसको आप बनाइए और बना के मुझे आप लोग कल की क्लास से पहले भेज दीजिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोगों को सर, ठीक है ना, ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूं फाइल या फिर मेल करूं,